आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान सुना होगा, देखा होगा आपने, वो कह रहे हैं कि सरकार धोखा दे रही है, कानून वापस लीजिए तभी आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो नहीं। इससे बड़ा स्पष्ट होता है रोहित जी, इस कानून इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। इस आंदोलन में कुछ ऐसे भी लोग दिखते हैं जो मतलब हमें तो सभी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि वो किसान है, कोई हल चलाते हैं कुछ, और वो जो है मतलब कल तक नेतागिरी करते थे, कोर्टों में याचिकाएं डालते थे, आज किसान नेता है। देखिए किसान नेता जो किसान है असली में किसान है और बहुत सम्माननीय कई नेता है आंदोलन में भी है जो इसके पक्ष में भी खड़े हैं, कानून के वो भी है, अपनी जमीन है, खुद खेती करते हैं, किसानों के बीच रहते हैं क्योंकि किसान है, उन लोगों की अपनी एक बातचीत है। लेकिन कांग्रेस के पूरे बयान से बड़ा स्पष्ट होता है कि हमें राजनीतिकरण करना है। कांग्रेस के तो एक एमपी ने यहां तक कह दिया कि किसानों की लाश होगी। भाई आप चाह रहे हो किसानों की लाश में हमारी राजनीति हो, ये कहां की बात है? आप अगर चाहते हो, और ये कांग्रेस पार्टी वो है, इसके दोहरे मापदंड देखिए यार, 2005 से ऐसे ही कानून लाने के लिए या बदलाव करने के लिए लगातार बोलते गए। 1.5 दशक में जो वो कहते आए, 19 के तो इलेक्शन मैनिफेस्टो अंग्रेजी में लिखा, हम एपीएमसी हटाएंगे। कहां हटी एपीएमसी? एपीएमसी वही के वही है, एक विकल्प और है। दूसरी बात कि वो जा रहे थे कि ये सारी चीजें हमें बदलाव लाना चाहिए, शरद पवार जी मंत्री थे उस सरकार में, उन्होंने कहा, कई चिट्ठियां लिखी, तो ये सारी बातें कांग्रेस जो कर रही थी, आज मोदी जी की सरकार गई, एपीएमसी को हटाया नहीं, एक अधिक विकल्प दे दिया, और कांग्रेस कह रही है कि इसको रिपील करिया। तो ठीक है, कांग्रेस राजनीतिकरण करती है, उन्होंने तो बालकोट में भी कहा था सबूत दिखाइए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में भी कहा सबूत दिखाइए। तो कांग्रेस की राजनीति जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम अ मेनस्ट्रीम पार्टी इज बिकमिंग अ फ्रिंज काइंड ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, वो उनको करना है, देश की जनता के सामने सारी बातें जाएंगी। लेकिन अब आ जाते हैं मुद्दे पे, दूसरा विषय जो मैं कहना चाहूंगा आपकी अनुमति से। देखिए 70-80% भाई साहब जो बैठे हुए हैं अभी अपनी बात करते हैं, आप एमएसपी करो तो 70% 80% हो जाएगा। मैं केवल इतना कहूंगा, एक डिमांड है कि रिपील करो, अगर रिपील करो तो कानून में या तो बदलाव होंगे कानून में, या कानून हटाने की बात होगी ना, दोनों कैसे होंगे? तो वो अड़े हुए कानून हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट किसान लोग भी नेता गए या उनमें से किसानों में से संगठनों में से कई लोग सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक समिति बनाई, समिति का कोई अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, समिति सबको सुन के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब अगर सरकार पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसमें भी आप कहते हैं कि हमें अपनी बात रखनी है, और गणतंत्र दिवस मतलब जहां से संवैधानिक अधिकार हमारे आते हैं, संवैधानिक अधिकार संविधान का वो गणतंत्र दिवस के दिन से ही लागू होता है, तो कम से कम हम सम्मान के साथ करें। तो मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से जो सरकार कह रही है उस मंशा से कह रही है कि एक जो भी हो हम इसको स्थगित कर देते हैं, बातचीत से कर देते हैं।